सो गुड मॉर्निंग, और कल शाम को हम निकल गए थे धर्मशाला से शाम को 6 बजे और हम पहुंच गए थे पालमपुर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीवी ट्रिप व्लॉग्स, और मेरा नाम है पंकज। मैं करता हूं आपका स्वागत मेरे इस चैनल पे, एंड वेलकम टू 4th एपिसोड ऑफ आवर धर्मशाला जीबी सीरीज। अगर डायरेक्टली आप इस एपिसोड पे आ गए हैं तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी हमारे 3 एपिसोड है इस सीरीज के, वो देख सकते हैं आप, जिसका लिंक मैंने डाल दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इस एपिसोड में हम चलने वाले हैं पालमपुर से जीबी। कल रात को हम धर्मशाला से पालमपुर तक पहुँच गए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये एपिसोड, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, लाइक और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये व्लॉग और पहुंचते हैं जीबी। आज मैं पहुंच गया हूं बहुत ही खूबसूरत हिमाचल प्रदेश की एक अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन जीबी में। आज मैं पहुँच गया हूँ धर्मशाला और मैक्लोडगंज में। सो गुड मॉर्निंग, कल शाम को हम निकल गए थे धर्मशाला से शाम को 6 बजे, और रात को चामुंडा माता के दर्शन करते हुए हम पहुंच गए थे पालमपुर। और अभी हम स्टे कर रहे हैं पालमपुर के एक होटल में, और यहां से अब आगे हम निकलेंगे बिरबिलिंग की तरफ। अगर वहां पैराग्लाइडिंग हो रही होगी तो पैराग्लाइडिंग भी करेंगे, और अगर नहीं होगी तो फिर हम निकल जाएंगे आगे जीबी की तरफ। और पालमपुर भी बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ खूब सारे रिजॉर्ट्स हैं और खूब अच्छे अच्छे होटल्स भी हैं, और शानदार व्यूज़ आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं बहुत, और मौसम अभी थोड़ा खिल चुका है, धूप निकल चुकी है और बहुत ही अच्छा भी मौसम हो रखा है। तो अब हम पहुँच गए हैं पालमपुर के इस टी गार्डन में। पालमपुर में आप जहाँ भी जाएंगे आपको चारों तरफ ऐसे ग्रीन टी गार्डन्स दिखेंगे, और बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं ये टी गार्डन्स इन पहाड़ियों और वादियों के बीच में। तो कल रात को हम रुके थे इस अंबिका होटल में, ये पालमपुर से थोड़ा सा आगे निकल के हाईवे पे, और बहुत ही अच्छा और सुंदर होटल हमको अच्छे प्राइस पे मिल गया। तो अभी हम रात को रुके थे इस होटल में, और अब निकल रहे हैं हम आगे बिरबिलिंग और जीबी के लिए। तो रेडी हैं सब लोग? यस। चले आनंद जी, रेडी हैं? बिल्कुल, सामान तैयार है, बिल्कुल रेडी, बिल्कुल हमेशा के लिए रेडी। तो चलो चलते हैं और करते हैं अपनी राइड स्टार्ट। तो अब हम निकल पड़े हैं अपने पालमपुर के होटल से, और बारिश तो अभी फ़िलहाल नहीं हो रही है, और बादल तो खूब काले हैं अभी आसमान में। बारिश ना ही हो तो ही अच्छा है, ऐसा मौसम बना रहे तो बहुत अच्छा है। तो अभी हम सबसे पहले जाएंगे श्री बैजनाथ धाम मंदिर में, जो यहाँ से करीब 18 किलोमीटर दूर है, और फिर शिव जी के दर्शन करके और फिर निकलेंगे हम आगे। तो अब हम पहुंच गए हैं श्री बैजनाथ धाम मंदिर। तो बेर और जीबी के रास्ते में अब हम रुक गए हैं श्री बैजनाथ धाम मंदिर में।
आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये महादेव जी का प्राचीन मंदिर, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। तो आइए चलते हैं, इस मंदिर के दर्शन करते हैं। चलिए, मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम फिर से निकल चुके हैं हम अपनी आगे की राइड पे, और बिर का रास्ता अभी जस्ट हमने पीछे ही छोड़ा है, और जहाँ से रास्ता बिर के लिए कट रहा था टी पॉइंट, वहाँ से हमने रुक के पैराग्लाइडिंग वाले को कॉल किया और उनसे पूछा अगर पैराग्लाइडिंग हो रही है भी कि नहीं, क्योंकि मौसम अभी थोड़ा बारिश वाला है। तो उन्होंने भी कन्फर्म किया कि आज पैराग्लाइडिंग नहीं हो रही है, बारिश की वार्निंग को देखते हुए आज पैराग्लाइडिंग पूरे दिन ही नहीं होगी। तो हमने कर दिया है बिर का अपना प्रोग्राम कैंसिल, और अब हम सीधा निकल चुके हैं जिब्बी की तरफ, और अब लग रहा है बारिश रह गई है पीछे, हम आ गए हैं काफ़ी आगे, और अब यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ़ है, आसमान भी बिल्कुल खुला है, और अब धूप भी निकल चुकी है। रुक गए हैं अब रास्ते में इस लिटिल गणेश कैफ़े पे, थोड़ी भूख भी लग रही थी तो सोचा पहले कुछ पेट पूजा कर लें और यहाँ से फिर आगे चलेंगे जिब्बी। अब यहाँ से हम पहले सबसे पहले पहुँचेंगे मंडी, मंडी यहाँ से लगेगा 20 किलोमीटर और वहाँ से पहुँचेंगे फिर जिब्बी। रोड की मैं बात करूँ तो रोड बीच में काफ़ी अच्छी थी और बहुत ही अच्छे और सीनिक व्यूज़ थे पूरे रास्ते में, और रोड कंडीशन भी काफ़ी अच्छी थी, तो हमने कवर भी अभी काफ़ी अच्छा कर लिया है। अब यहाँ से कुछ चाय कॉफ़ी और मैगी खाते हैं और फिर चलते हैं आगे। आपने मेरे पुराने वीडियोस में देखा होगा, हमेशा आनंद मेरे साथ रहता ही है और निशिता भी मेरे साथ रहती है। इस बार इस राइड पे हमारे साथ दो नए और मेंबर जुड़ रहे हैं, अरुण हमारे साथ फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और उमाकांत भी हमारे साथ पहली बार इस राइड में साथ चल रहे हैं। तो कैसा अरुण जी एक्सपीरियंस है आपका? बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत अमेजिंग राइड थी, व्यू बहुत शानदार था, क्लाइमेट हमारे एकदम फेवरेबल रहा है, बहुत अमेजिंग खाना मिला हमें। उमा गांधी, मिस्टर उमी, वंडरफुल, मज़ा आ रहा है अभी तक की राइड में? शानदार, बहुत ही शानदार। तो ये दोनों भी अब एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ। तो हो गया है हमारा ब्रेकफास्ट और अब आ गई है थोड़ी एनर्जी भी, और अब हम पहुंच गए हैं मंडी। मंडी से जीबी की दूरी करीब 70 किलोमीटर की है, तो करीब 2.5 से 3 घंटे अभी हमें और लग जाएंगे। तो यार हम पहुंचने वाले हैं जीबी, लेकिन अब बारिश होगी थोड़ी हल्की हल्की चालू, रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। भाई लोगों, आपके स्वागत की तैयारी हो रही है, तो आप जल्दी से आ जाइए मनाली और जीबी और लद्दाख की तरफ, तो आपको रोड काफ़ी चौड़ी मिलेगी। यहाँ की गवर्नमेंट काफ़ी रोड पे काम कर रही है अभी, तो अभी काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पर, और आप शायद जब तक आएंगे तब तक आपको रोड काफ़ी चौड़ी मिलेगी, पर अभी तो हम इन्हीं रोडों पे चल रहे हैं झटके खाते हुए। ये मेरा इंडिया, कंस्ट्रक्टिंग इंडिया। ये देखो कहाँ ऊपर ऊंचाई पे टनल बना रहे हैं, इतनी ऊंचाई पे भी एक्सप्रेस हाईवे का काम चल रहा है जो सीधा कनेक्ट करेगा मनाली से। पर इस एक्सप्रेस हाईवे का तो अभी काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, तब तक चलना पड़ेगा इसी रोड पे। रोड की कंडीशंस अभी काफ़ी ख़राब है और इस वजह से काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ है यहाँ पर। जो फोर व्हीलर वाले हैं काफ़ी घंटों से इस लाइन में खड़े हैं, हमारे पास तो थी मोटरसाइकिल जो हम निकल गए बीच में से। तो अब हमने ले लिया है ऑट टनल से डाइवर्जन जिब्बी के लिए, और ऑट टनल से मनाली के लिए रास्ता अलग निकल जाता है, और अब इस जिब्बी के रूट पे काफ़ी कम ट्रैफिक है और कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। ये देखिए ऊपर से झरना बहता हुआ, इतना शानदार और खूबसूरत लग रहा है दूर से, क्या नेचुरल ब्यूटी है। तो ऑट टनल के डाइवर्जन लेने के बाद जिब्बी रह गया है करीब यहाँ से 30 से 31 किलोमीटर, और रोड्स थोड़ी से नैरो हो जाएगी यहाँ से, और अब हम गांव के बीच से होते हुए अब पहुँच जाएंगे जिब्बी, करीब 1 घंटा और तो लग ही जाएगा। अभी हमको रास्ते में रोक दिया है क्योंकि सीएम निकल रहे हैं हिमाचल प्रदेश के,
तो फाइनली अब हम पहुंच गए हैं जीपी और समय हो रहा है शाम के साथ और हमने चूज किया है ये माय मनाली एडवेंचर कैंप और यहाँ के जो ओनर हैं मिस्टर चिराग, उन्होंने मुझे कहा कि ये शॉर्टकट रास्ता है हमारे कैंप में पहुंचने तक का। अब समझ आ रहा है माय मनाली एडवेंचर नाम क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ कैंप तक पहुंचने का रास्ता ही इतना एडवेंचरस है, तो क्या बताऊँ मैं आपको। बचपन में पढ़ा था नेवर टेक शॉर्टकट इन लाइफ और आज जाके समझ में आया है कि ये शॉर्टकट नहीं लेना था, क्यों लिया हमने ये शॉर्टकट। तो फाइनली पहुंच गए हैं हम हमारे कैंप साइट पे और क्या खूबसूरत लोकेशन है यार, ये पूरी थकान दिन भर की उतर गई इसे देखकर। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस चैनल पीवी ट्रिप ब्लॉग्स को। तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा जिब्बी की सारी लोकल साइट सीन्स और हमारा कैंप साइट एरिया। तो बने रहिएगा नेक्स्ट एपिसोड में भी, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।